इंदिरा का जनवन फॉगलाइट पड़ जाता है 6,000 रुपए में, हाई ग्लोस पियानो ब्लैक स्टील की 3,500 रुपए और क्रोम की इसका पड़ जाता है आपको 18। मार्केट 17 इंच अलॉय व्हील डाले हैं। महिंद्रा का जनवन फुटरेस्ट लॉक एंड अनलॉक फीचर आपको मिल जाता है, ये पड़ जाता है आपको 11,000 रुपए का। गेम लग रही है ऑन होने के ऊपर, इसके अंदर आपको इंडिकेटर का फीचर भी आपको मिल जाता है। टॉप नॉच क्वालिटी इंटीरियर कन्वर्ट कर चुके हैं स्कॉर्पियो वैन के अंदर, प्रीमियम क्वालिटी सीट कवर वो भी थाई सपोर्ट के साथ। आज की वीडियो में शोकेस करने वाले भाई आपको स्कॉर्पियो वैन Z2 वेरिएंट, साथ में अपने हिमांशु भाई, क्या हाल चाल भाई? बहुत बढ़िया भैया, क्या लेके अपने ऑडियंस के लिए आज हम लेके आए हैं स्कॉर्पियो Z2। Z2 वेरिएंट है, बिल्कुल ब्लैंक कार है जब आपके सामने, बिल्कुल अभी जो बेस वेरिएंट आता है, बेस वेरिएंट आता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना तो रूफ रेल, ना फुटरेस्ट, ना अलॉय, ना फॉग लाइट, कुछ भी। क्या कुछ करने वाले इसके अंदर? इसको तो हम बेस टू टॉप कर ही रहे हैं और अंदर से इसको एक मतलब लग्जरी इंटीरियर भी कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट से बात कर ले, क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं फ्रंट में? इसमें महिंद्रा का जनवन फॉग लाइट है, ठीक है। हेडलाइट टॉप मॉडल में भैया कह रहे थे लेकिन हम एलईडी लगा रहे हैं क्योंकि टॉप मॉडल की रोशनी आपको पता नहीं है, तो हम इसमें एलईडी अपग्रेड करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रिल क्रोम है, स्किट है, साइड फेस में भाई अलॉय में 17 इंची आफ्टर मार्केट भी अलॉय लगवाएंगे, आफ्टर मार्केट अलॉय भी 18 इंची का है बट इनका थोड़ा टायर में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और बाकी आउटर में जो अपना रूफ रेल फुटरेस्ट, आउटर में जो बेस टू टॉप में होता है वही है, मतलब बेसिक से फुटरेस्ट, साइड ग्लाइडिंग, विंडो, गेट खोलो भाई एक बार यार, अंदर से दिखाना चाहूंगा भाई। मेन जो काम है वो इंटीरियर में है यार, ये नई की नई गाड़ी तुमने पूरी खोल डाली है भाई, क्या करके मानोगे इसका? इसको भी हम एक आर पार लेवल का इंटीरियर करके दिखाएंगे, इंटीरियर करने वाले, डैशबोर्ड में भी करने वाले, साथ में कस्टमाइज सीट कवर्स भी अपग्रेड करेंगे, डैशबोर्ड भी है, डोर जो अपना ब्राउन आता है वो भी है, सीट कवर भी है, और हो तो डोर में लेदर रैप कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, लेदर रैप कन्वर्ट करने वाले। स्पीकर में कोई चेंजेस नहीं है? स्पीकर में कोई चेंजिंग नहीं है, हो सकता है इसमें एक हम बूफर कस्टमाइज लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बैक में बात कर लेते हैं, बैक में अपना स्पॉइलर का ऑप्शन रहता है, बैक में स्पॉइलर है, डमी वाइपर है, ठीक है, कैमरा 360 इसमें लग रहा है, क्रोम है, मतलब फुली कन्वर्जन है टॉप मॉडल के अंदर। साथ में एक गाड़ी और खड़ी हुई है यहाँ पर, ये अपना स्कॉर्पियो, ये भी Z2 वेरिएंट ही था, ये भी अपना यार, ये Z2 लग तो नहीं रहा यार, आउटर से फुल टॉप मॉडल, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ना, क्या कर दिया, अलॉय लगा दिया, 18 इंच महिंद्रा जनवन, 18 इंच महिंद्रा जनवन, फ्रंट में DRL LED सेक्शन अपग्रेड कर दिया, DRL लगा दिया, हेडलाइट में LED लगा दिया, ग्रिल क्रोम लगा दिया, अभी स्किट प्लेट लगने हैं इसमें, ठीक है। बाकी मिरर में भी चेंजेस करें, साइड मिरर ऑटो फोल्ड कर दिया, विंडो क्रोम इसमें नहीं था, फुटरेस्ट अभी लग जाएगा इसमें, ठीक है। रूफ रेल अपग्रेड कर चुके हैं, टॉप मॉडल वाली ड्रिल सिस्टम रहता है जिसके अंदर। बाकी थोड़ा सा इधर से आता हूं मैं, एक बार अंदर में दिखाना चाहूंगा, अंदर में सीट कवर लगा रहे टॉप मॉडल वाले? नहीं, इसका कस्टमाइज हो रहा है, पहले भी ये लगा रहे हैं लेकिन कह रहे मेरे को थोड़ा सा अलग कर दो। कौन से कलर में? वाइन कलर में कवर है, इंटीरियर नहीं है। अच्छा, इंटीरियर नहीं है। बाकी थोड़ा सा बैक से भी दिखाता हूँ, बैक में भाई यहाँ पर वाइपर लगाया, वर्किंग है, डमी है, वर्किंग वाइपर है इसमें, वो स्पॉइलर भी लगने हैं, कैमरा भी हमारा लग चुका है इसमें, ब्लो पंख दिया, और भाई ये सारी वर्किंग के लिए आना का है, ऑटोमेटिक कार्ड पर क्रोल का स्क्रीन पर सारे नंबर है। बाकी डिस्काउंट कुछ दे रहे हो अपनी ऑडियंस को? डिस्काउंट दे ही रहे हम, बहुत बढ़िया डिस्काउंट दे रहे हैं, वीडियो के एंड में आपको एक एक चीज का रेट भी बताएंगे, वीडियो के एंड में भाई फुली एक कन्वर्जन प्राइसिंग बताते हैं, कितने में एक गाड़ी बेस्ट टू टॉप मॉडल बन जाती है, बेस्ट टू टॉप एक मतलब जो काम होता है कितने में हम करा सकते हैं, और जेन्युइन पार्ट्स के जो प्राइसिंग डिस्क्लोज कर ही रखी हमने, है ना, ठीक है। बाकी इस गाड़ी को अंदर कंप्लीट एक फाइनल लुक आपको चेकआउट करवाता हूँ। फाइनली भाई यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो हो चुकी कंप्लीट, साथ में अपने हिमांशु भाई कंप्लीट सारा काम। हाँ जी भैया कंप्लीट है, ठीक है भाई। वेरिएंट कौन सा था ये अपना? ये जो वेरिएंट था अपना Z2 था, बट अब ये Z2 नहीं है, ठीक है। आउटर फेस से फुली एक टॉप मॉडल फील्स के अंदर कन्वर्ट, आउटर से इसको हमने टॉप मॉडल दिया है, बाकी इसके जो इंटीरियर है वो हमने लग्जरी किया है, इंटीरियर एक टॉप नॉच क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट कराया, टॉप क्वालिटी और थोड़ा सा अलग किया हमने, ठीक है। फ्रंट से बात कर लेंगे भाई, क्या कुछ चेंजेस करेगा फ्रंट में? सबसे मेन चीज जो अपना DRL रहता है, महिंद्रा का जनवन फॉग लाइट, जो डे टाइम रनिंग लाइट और प्रोजेक्टर के साथ आता है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग किस तरीके से करी गई है? ये तो हमारा नॉर्मल चाबी के साथ ही रहता है, जो DRL रहता है, प्रोजेक्टर जो हमारा कॉम्बिनेशन स्विच के साथ अंदर से चालू हो जाता है। यहां पर अपना पार्किंग, देखो हमारा पार्किंग ऑन है, फॉग लाइट बंद कर, तो यहाँ से देखो ऑफ एंड ऑन का ऑपरेट आपको मिल जाएगा, के साथ जो काम करता है वो हो गया सेम जो टॉप मॉडल फील्स जैसे टॉप मॉडल में आता है, ठीक है। थोड़ी कॉस्टिंग की बात करने में, क्या कॉस्टिंग? इसकी कॉस्टिंग आपको अगर बेस टू टॉप कराते हैं तो आपको पड़ जाता है 6,000 रुपए में, 6,000 में जेन्युइन फॉगलेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। हेडलाइट में चेंजेस की बात कर ले भाई, हेडलाइट में अगर चेंजिंग की बात कर लो तो 180 वाट का LED लगा हमने, हाईवी में भी लोबी में भी, जो अपना 2 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है, ठीक है। फ्रंट फेस व्हाइट के अंदर कन्वर्ट करा गया, तो भाई ये देख लो ये कुछ रिस्पॉन्स मिल जाता है। बाकी इसके अंदर टॉप मॉडल का भी ऑप्शन रहता है, टॉप मॉडल का भी ऑप्शन रहता है, बट उसमें रोशनी नहीं है, अगर जिनको लुक वाइज जाना है तो टॉप मॉडल पे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे एक बेसिक LED की स्टार्टिंग कितने से मिल जाती है? बेसिक LED की स्टार्टिंग आपको 2,500 रुपए से मिल जाता है, 2,500, ठीक है। ग्रिल में चेंजेस क्या? ग्रिल हमने इसमें कर दिया है हाई ग्लोस पियानो ब्लैक, ग्रिल क्रोम लगा दिया, जो महिंद्रा का जनवन रिप्लेसमेंट पार्ट्स के अंदर रहता है। कॉस्टिंग पड़ जाती है इसकी? कॉस्टिंग पड़ जाता है आपको ग्रिल की 3,500 रुपए और क्रोम की इसका पड़ जाता है आपको 2,800 रुपए बेस टू टॉप के, ठीक है। साथ में भाई इसके अंदर यहाँ पर फ्रंट में
कैमरा भी मिल रहा है देखने के लिए। इसमें 360 हमने कैमरा भी लगाया, तो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरे का प्लेसमेंट मिल जाएगा। 360 प्लेट करा का बेस वेरिएंट के अंदर। उसके बाद इसमें हमने लगाया है अपना स्किड प्लेट जो 3 लेयर पेंट के साथ रहता है, जो 3 साल की गारंटी के साथ आता है हमारा। क्या कॉस्टिंग पड़ती है? इसकी कॉस्टिंग पड़ जाता है आपको बेस टू टॉप पे 2500 रुपए का। ठीक है, थोड़ा आप साइड बेस में बात कर लेंगे भाई। इसके अंदर जेन्युइन की तरफ ना जाके आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील साइड बेस में हमने आफ्टर मार्केट 17 इंच अलॉय व्हील डाले हैं। ठीक है, बाकी जेन्युइन की कॉस्टिंग क्या पड़ जाती है भाई? जेन्युइन आपको बेस टू टॉप पे पड़ जाता है 17 इंची 40,000 रुपए का, 18 इंची 51,500 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर दिखा दो भाई आफ्टर मार्केट के अंदर। ये भी अच्छे लग रहे हैं, लुक भी अच्छी लग रही है, और ब्लैक में जो है ना तो और लुक एनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा साइड से बात कर लेंगे भाई। फुटरेस्ट नहीं आता इस वेरिएंट के अंदर, फुटरेस्ट नहीं आता इसमें। हमने लगा दिया महिंद्रा का जर्मन फुटरेस्ट। स्ट्रेंथ लेवल देख लो भाई आपके सामने, ब्लैक कलर के अंदर क्या कॉस्टिंग पड़ जाती है भाई? इसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है आपको 4500 रुपए। ठीक है, यहाँ पर क्लाइडिंग की बात कर ले, उसके बाद हमने इसमें क्लाइडिंग कर दिया अपना हाइड्रो डिपिंग। ठीक है, टॉप मॉडल व्हील्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, 3 लेयर पेंट के साथ आता है, 3 साल की वारंटी के साथ आता है। ठीक है, तो मिरर में बात कर ले भाई, क्या कुछ चेंजेस करे गए? मिरर इसमें हमने कर दिया ऑटो फोल्ड। ठीक है, उसके बाद 360 कैमरा भी है, देखो हमारा 360 ये रहा, और साथ में की भी ऑपरेट करेगी, इसके अंदर लॉक एंड अनलॉक फीचर आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो अनलॉक करते हैं यहां पर आपका मिरर, अनफोल्ड हो जाएंगे। क्या कॉस्टिंग पड़ती है ये? पड़ जाता है आपको 11,000 रुपए का। ठीक है, और की भी दिखाए थे भाई एक बार, तो इसमें नॉर्मल की आती है, नॉर्मल की आते हटा के हमने इसमें टॉप मॉडल वाले की लगा दी, जेन्युइन की रहती है, इसमें ऑपरेट आप कर सकते हैं। महिंद्रा का जमा रहता है इसमें, मैजिक मिल जाएगा आपको। ठीक है, वेरी महिंद्रा की बैजिंग। साथ में लोअर गार्निश में बात कर ले भाई, इसमें विंडो गार्निश नहीं आता है, तो हमने महिंद्रा का जर्मन विंडो गार्निश लगा दिया, जो आगे का 4 पीस रिप्लेसमेंट पार्ट के अंदर आता है। स्क्रू सिस्टम आपको मिल जाता है। ठीक है, स्क्रू सिस्टम मिलता है महिंद्रा जर्मन का, पेस्टिंग सीन नहीं है, बैक एंड वाला पेस्टिंग रहता है ना, बैक एंड वाला जो ये हमारा पेस्टिंग रहता है, भी होता महिंद्रा जर्मन है, बट ये पेस्टिंग है। ठीक है, जिनको कंप्लीट रिप्लेसमेंट चाहिए तो ये पूरा पैनल चेंज होता है, वो भी अपने पास अवेलेबल रहता है। बाकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है लोअर गार्निश की? ये पड़ता है आपको 5500 रुपए का कंप्लीट 6 पीस के अंदर। डोर वाइजर अपने आफ्टर मार्केट रहते हैं। इसमें हमने विंडो क्रो अपना डोर वाइजर लगाया गैलियो का, जो स्कॉर्पियन रेड में जो हमारा स्टार्टिंग से चलता है, लुक भी अच्छी लगती है इसके अंदर देखने के लिए। रूफ रेल्स नहीं आती इस वेरिएंट में, रूफ रेल नहीं आती, हमने लगा दिया इसमें महिंद्रा का जर्मन, पूरी गाड़ी हिल जाएगी। क्या कॉस्टिंग बढ़ रही है इसकी? 5500 रुपए। और सबसे मेन एक क्वेश्चन रहेगा भाई, लीकेज इशू 1% लीकेज की गारंटी है मेरी, जब तक गाड़ी है तब तक की। ठीक है, हैंडल्स इसमें मैट फिनिश के अंदर आते हैं, फिनिश हैंडल आता है इसमें, भी हमने हैंडल पेंट कर दिया, और इसकी फिनिशिंग चेक करो। बाकी इसमें टॉप मॉडल वाले का भी ऑप्शन रहता है, टॉप मॉडल का भी ऑप्शन होता है अपने पास। ठीक है, अब थोड़ा बैक से बात कर लेंगे, बैक साइड हमने इसमें लगा दिया आफ्टर मार्केट टेल लाइट। ठीक है, टेल लाइट का भी लुक मैं आपको चेकआउट करा दूंगा। स्पॉइलर, वाइपर डम्मी, ठीक है, पीछे कैमरा, बम्पर क्रोम, रिफ्लेक्टर, स्कीट, बुल गार्ड। ठीक है, मतलब फुली कन्वर्जन कर रखा है, और टेल लाइट की लुक चढ़ो कितनी प्रीमियम लग रही है भाई ऑन होने के ऊपर। यहाँ पर इसके अंदर दो डिजाइन मिल जाता है ना? हाँ, ठीक है, एक जो अपना डिफेंडर के अंदर आता वाला। ठीक है, सिक्वेंशियल लुक मिल जाती है भाई इसको ऑन करना एक बार, तो भाई लुक देखो कितनी ज्यादा प्रीमियम लग रही है ऑन होने के ऊपर। इसके अंदर आपको इंडिकेटर का फीचर भी आपको मिल जाता है, और ये कुछ लुक मिलती है जब आप ये ऑन करते हो ना टेल लाइट अपनी, तो स्मोक फिनिश के अंदर भी है, ब्लैक कार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। बैक लुक देखो कितनी ज्यादा एनहांस हो चुकी है अपनी इसके बाद लगने के। ठीक है भाई, स्पॉइलर की कॉस्टिंग बताना भूल गए, स्पॉइलर की कॉस्टिंग आपको 6000 रुपए का पड़ जाता है। 6000, और वाइपर डमी? वाइपर डमी आपको 1000 रुपए का। ठीक है, तो बैक के लुक के साथ टेल लाइट रिफ्लेक्टर्स भी अपग्रेड करेंगे, रिफ्लेक्टर भी अपग्रेड करें, और ये भी स्मोक के अंदर है, स्मोक फिनिश के अंदर है ये वाला पार्ट भी, ये मतलब हल्की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बम्पर क्रोम 2500 रुपए का आपको मिल जाएगा, आगे पीछे स्किड प्लेट मैंने बताई थी आपको अपना 2500 रुपए, फुल गार्ड भी इसमें हमने लगाया है, इसमें बूफर भी लगाया कस्टमाइज। हाँ, बूफर भी लगाया इसमें, कस्टमाइज इंक्लोजर भी अपग्रेड करा गया इसमें, कंप्लीट जो जितना काम होता है ना हमने सारा ही करवाया। यहाँ पर ये वुडन वाला पार्ट दिख भी रहा होगा आपको, इसके अंदर कौन सा जेबीएल लगाया? जेबीएल लिया। कितने वाट के अंदर? 1500 के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा आउटर दिखा दिया मानशु, आउटर दिखा दे एक बार, इसमें चलते हैं इंटीरियर की तरफ। मानशु इंटीरियर चेकआउट करा दे एक बार। बिल्कुल, तो भाई दिखा दे आपको टॉप नॉच क्वालिटी इंटीरियर कन्वर्ट कर चुके स्कॉर्पियो वैन के अंदर, ब्लैक प्लस रेड थीम रखा गया, फुल एक जीटी लाइन फील्स बोलते हैं, और ये पहले भी कर रहा था हमने, एक बिहार वाली गाड़ी के अंदर कन्वर्ट किया था, ये हमने इस बार ये लगा के तीसरी बार कर रहे हैं। हाँ, एक बिहार में भी करा था, उसकी लुक भी बहुत अच्छी आई थी। हाँ, और इसमें बात कर ले भाई क्या कुछ चेंज है डोर के ऊपर? इसमें जितना भी हमारा ब्राउन पार्ट आता है उसको हमने कर दिया इसमें मैट ब्लैक में लेदर राइट। ठीक है, लेदर राइट कन्वर्ट है, कोई नॉर्मल पेंट वेंट वाला सिस्टम नहीं करा गया, कोई पेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सॉफ्ट टच हमने कर दिया, ये रेड स्टिचिंग के साथ डबल स्टिच मिल जाएगा, प्लस सॉफ्ट टच भी मिलने वाला है, और फिटमेंट देख लो भाई बिल्कुल टक टू टक फिटमेंट इसके अंदर आपको मिल जाएगा, इसमें कहीं से भी उठा या उपरा खबरा नहीं दिखेगा, कहीं सिलाई आपको आड़ी टेढ़ी भागते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, ये पैनल हमने इसमें लगा दिया महिंद्रा का जर्मन पियानो ब्लैक, स्विच हमने कर दिया है पियानो।
और इनर हैंडल्स भी इसके अंदर पियानो फिनिश, इनर हैंडल भी हमने लगा दिया है पियानो फिनिश के अंदर, ये डिपेंड्स के पावर रहता है अपना, ठीक है। ग्रैब हैंडल पियानो लगाया, जब भी इंटीरियर कन्वर्ट करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं सारे पियानो फिनिश के अंदर ही कन्वर्ट करें, क्योंकि लुक बहुत अच्छी आती है इसको लगने के बाद, है ना। हां जी, यहां से दिखा रहे तो आपको एंटर करने पे स्कॉर्पियो एंड की स्कफ प्लेट मिलने वाली है इसके अंदर, जो जेन्युइन रहती है रिप्लेसमेंट पार्ट के अंदर, है ना। हां जी भैया, ठीक है। नीचे अपना फ्लोरिंग करिए इसके, इसमें हमने कर दिया है लेजर वाली फ्लोरिंग जो चेकमेट कंपनी का रहता है अपना, इसमें आपको एक्यूरेट फिटमेंट मिल जाती है, देखो पूरी फिटमेंट आपके सामने है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो पूरा टॉप नॉच क्वालिटी वाला ही काम करना पड़ता है, टॉप नॉच क्वालिटी में ही हम डील करते हैं। प्रीमियम क्वालिटी सीट कवर है, वो भी थाई सपोर्ट के साथ। फ्रंट लेवल देख लो भाई कितना ज्यादा एड ऑन हो चुका है, कंफर्ट लेवल भी अच्छा खासा मिल रहा है, कंफर्ट लेवल भी है। उसके बाद इसमें भी आपको कहीं से भी रिंकल या फिर अपना कहीं भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा, और कस्टमाइज करके अपग्रेड करेगा। स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक ब्यूटी के साथ इंटीरियर भी ब्लैक और रेड थीम के अंदर कन्वर्ट करा गया। भैया का मन था बाद में पिलर और छत का भी, लेकिन भैया 9-10 बजे बोले तो इसलिए नहीं हो पाया। अब पीछे एक बार आमरस भी दिखाए थे हिमांशु भाई, तो भाई देखो पीछे की फिटमेंट दिखा दूं, बहुत बढ़िया फिटमेंट इसके अंदर भी मिलने वाली है। आमरस दिखा दूं, ये चीज होता है हमारा फिटिंग जो है, ये देखो। और ये नहीं भाई एक दो वीडियो में दिखा दिया, सारी वीडियो में दिखाऊंगा। ये फिटमेंट बहुत टक टू टक इसके अंदर आपको मिल जाती है, देखो भाई। और बैक एंड की फिटमेंट देख लो, और यही नहीं कि सिर्फ आगे का, पीछे का, उसके पीछे का सारे फिटमेंट आपको इक्वल मिलेगा। और हेडरेस्ट की फिटमेंट, और हेडरेस्ट की चेन सिस्टम है, बिल्कुल कोई नॉर्मल एलवी सिस्टम नहीं कर रखा, 1% भी इसके अंदर। बाकी कार में बैठेंगे तो ए पिलर्स बहुत काम आने वाले आपके बैठने के लिए, तो ए पिलर्स जेन्युइन रहते हैं, महिंद्रा का जर्मन रहता है, 1200 रुपए का आपको पड़ जाता है बेस टू टॉप पे, ठीक है। साथ में भाई इसमें अपना डैशबोर्ड बात कर ले, चेंजेस क्या करे हैं इसमें डैशबोर्ड पे, जो ब्राउन पार्ट्स आता है उसको हटा के हमने इसमें कर दिया सॉफ्ट टच, जो ब्लैक के अंदर रहता है अपना, ठीक है। सॉफ्ट टच मिलने वाला है, ये सॉफ्ट टच है, लेदर राइट नहीं है, कोई नॉर्मल ये नहीं, बस लेदर करके दे दिया। ये जैसे दुनिया करती है वो हम नहीं करते भैया, हम शुरू से ही क्वालिटी वर्क करते आए हैं। और सबसे देखो भाई फिटमेंट टक टू टक है, एसी वाले पार्ट्स भी रेड फिनिश के अंदर कन्वर्ट कर रखे हैं, थोड़ा लुक एनहांस करने के काम आया थे अपने यहाँ पर। और साथ में एम्बियंस लाइट अपग्रेड करी गई है, जो इंटीरियर के लुक को और ज्यादा एनहांस कर रही है अपनी, है ना। मल्टी कलर रहता है, आपको स्विच मिल जाता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर मल्टीपल मोड्स आपको मिल जाएंगे, अभी के लिए हमने सिंगल इस पे रेड पे भी ऑपरेट कर रखा था, तो कर देगा वापस शेयर चेंज। तो देखो भाई बहुत सारे मोड्स है इसके अंदर, म्यूजिक मोड भी मिल जाता है ना, म्यूजिक मोड भी मिल जाता है, ठीक है। स्टीयरिंग पे चेंजेस की बात कर लेंगे भाई, स्टीयरिंग पे हमने कर दिया स्टीयरिंग कवर, ठीक है। स्टीयरिंग के एमआईडी कंट्रोल और उसके भी रिंग जो है उसको भी हमने रेड रखा है, स्टीयरिंग के यू भी हमने रेड कर दिया, फुल कस्टमाइज करा गया स्टीयरिंग को, एक स्पोर्टी स्टीयरिंग हमने इसमें लगाया, ठीक है। और ये अपने ग्लॉसी फिनिश, जेन्युइन एमआईडी बटन सब ग्रेड कर दिया है, महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स रहता है, बस ये रिंग पेंट है, ये मत समझना पूरा स्टीयरिंग पेंट है, हां बस ये रिंग वाला पार्ट अपना पेंट करा गया। और इसमें स्टीयरिंग तो वर्किंग हर चीज मिलती है ना। उसके बाद जो हॉर्न पैड है उस पे भी हमने लेदर राइट करा है, वो भी रेड स्टिचिंग के साथ, ठीक है। यहाँ पर कंसोल में चेंजेस की बात कर रहे हैं भाई, कंसोल मैट आता है, इसको हटा के हमने इसमें पियानो ब्लैक कंसोल लगाया है। उसके बाद जो इसका भी रिंग है अपना, उसको ये भी रेड फिनिश के अंदर, रेड फिनिश के अंदर कराया है। Z2 वेरिएंट था तो एंड्रॉइड में चेंजेस भी कर दिए क्या? हाँ जी भैया, चलो भाई वो दिखाएंगे। आमरेश भी बता दे, आमरेश भी सॉफ्ट टच है, इसकी भी आपको स्टिचिंग आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर मिलने वाला है, कोई भी फिटमेंट में माइनर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलने वाला है। हम क्वालिटी में, जैसे आपको बता रहा हूं, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जो चीज होगा भाई पहले, जो चीज होगा पहले होगा, ठीक है। अब एंड्रॉइड में बात कर ले भाई, टॉप मॉडल वाला एंड्रॉइड इसके अंदर अपग्रेड कर चुके हैं, टॉप मॉडल वाला एंड्रॉइड है, 360 कैमरा के साथ है, ठीक है। तो दिखा दो भाई, टच लेवल बिल्कुल मक्खन जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा, 360 सपोर्ट है, तो जिसके अंदर आपको सारे व्यूज आपको मिल जाएंगे, ये बैक है, लेफ्ट और राइट सारे मिल जाएंगे। जैसे आप पार्किंग भी ऑन करोगे तो उसमें भी आपको सारी चीजें वर्किंग आपको मिल जाएगी देखने के लिए। तो हिमांशु भाई अब थोड़ा सा खर्चा जानना चाहूंगा, कितना खर्चा है इस गाड़ी में? इस गाड़ी का जो बिलिंग है वो है 2.5 के समथिंग, 2.5 लाख के अराउंड, अलॉय व्हील्स मिला के, अलॉय व्हील मिला के, ठीक है। एक सनग्लास होल्डर दिखाना, बाकी सनग्लास होल्डर भी है इसमें, ठीक है। जेन्युइन सनग्लास होल्डर भी अपग्रेड किया, बाकी डैम्पिंग वैम्पिंग कुछ चीज करी इसमें? डैम्पिंग नहीं है हमने इसमें, जैसे हम हर गाड़ी में लगाते हैं, स्पीकर हमारा ओरिजिनल है, कस्टमाइज बस वूफर, कस्टमाइज वूफर और एक साउंड बैरियर का 4 चैनल एम डाल के हमने चारों स्पीकर को एम से रन करा है। अब ये बता दे भाई, सारी वर्किंग कराने तो डील का करना है, ऑटो मैजिक कार्ड और क्रोल बार, स्क्रीन पर सारे नंबर है, डिटेल लेने कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी स्टोर है जहां पर आपकी गाड़ी आती है भाई, बेस मॉडल और बन के आते टॉप से भी ऊपर, एक क्वालिटी के अंदर डील करा जाता है, एक प्रीमियम क्वालिटी स्टोर है, ऑटो मैजिक कार्ड और जहां से आपको हर बार शो करता हूं स्कॉर्पियो एंड